हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो, जैसे आप सबने टाइटल से पढ़ लिया होगा, हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि आप इग्नू में अपनी असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है होती हैं और आप कैसे अपनी असाइनमेंट को बनाएं ताकि आपको 90 अबव मार्क्स आपकी असाइनमेंट्स में मिले। आप लोगों को पता ही होगा असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका डिग्री कंप्लीट होती है तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी उसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आप ही के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो हम आज आपको बताएंगे आपको कैसे अपनी असाइनमेंट्स को बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी असाइनमेंट शीट्स की, कौन सी असाइनमेंट शीट्स हमें यूज़ करनी होती है। तो ये A4 साइज़ जो शीट्स होती हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप क्लासमेट की A4 साइज़ शीट लें। वो आपको शीट्स कौन सी लेनी होती है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको होता है ना डबल साइड लिखने वाली होती हैं, जो वो वाली आपको लेनी होती है। इसके लिए अगर आपका साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपके बीच में डायग्राम्स आती हैं, तब आप एक साइड प्लेन शीट और एक साइड रिटन वाली लेना, अदरवाइज़ आपको ये डबल साइडेड लिखने वाली ही लेनी होती है। ठीक है, ये आपको शीट्स लेनी होती है। इसको आपने क्या करना होता है, जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे उसके ऊपर आपने पहले असाइनमेंट क्वेश्चन भी लिखना है। ब्लैक पेन से अपना क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद आप आंसर अपना ब्लू पेन से लिखना, ब्लू बॉल पेन से लिखना। उसके बाद साइड्स में आपको यहाँ पे मार्जिन ज़रूर डालना। ठीक है, मार्जिन डालने के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। और जब आपका क्वेश्चन फिनिश्ड होता है उसको भी अंडरलाइन करो, मार्जिन्स को डालो, और जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको हाईलाइट्स करके दिखाने हैं अपनी असाइनमेंट में कुछ वर्ड्स को, कुछ टर्म्स को, तो उनको भी हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना। तो इससे आपको क्या होगा, एग्जामिनर जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा होगा उस पर आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगा इन सब चीज़ होंगे। सो अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज की। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको फ्रंट पेज से मैं पहले बता दूँ, आपको आपकी असाइनमेंट जब आप सबमिट करवाते हैं तो असाइनमेंट की स्टार्ट में आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लगाना ही लगाना होता है। चाहे आपने क्वेश्चंस लिखे भी हों तब भी आपको वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना होता है, अदरवाइज़ आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट पेज के बता दें, ये फ्रंट पेज जो है प्रिंटेड है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको ऐसा प्रिंटेड पेज ही निकलवा के लगाना होता है, ये हम आपको ऐसे एक आइडिया के लिए बता रहे हैं कि प्रिंटेड ऐसा होता है। आप देख सकते हैं इसमें एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट, सिग्नेचर। इसमें एक्चुअली में आपको सिग्नेचर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की कोई नीड नहीं होती है। आप इसकी जगह मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना होता है, बट ये एक आपको प्रिंटेड ऐसा ही मिलता है इग्नू की साइट से। बट आप इसको रिटर्न में भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, आराम से आप रिटर्न भी बना सकते हो। रिटर्न हमने आपको एक गाइडेंस के लिए बताया। देखिए, आपने नेम एक A4 साइज़ प्लेन वाइट शीट लेनी है, उसमें आपने इस तरीके से लिखना है, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड। असाइनमेंट कोड और असाइनमेंट नंबर सेम होता है, और आपको बताते हैं असाइनमेंट कोड या असाइनमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी सेंटर के साथ साथ स्टडी सेंटर कोड भी आपने लिखना ही है। उसके बाद आपने इस साइड पर डेट और प्लेस, डेट आपने वो लिखनी है जिस दिन आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करा रहे हो। ठीक है, उससे पहले वाली डेट मत लिखना, जिस दिन आपने सबमिशन करा रहे हो उस असाइनमेंट की वही डेट आपने लिखनी होती है। और प्लेस लिखनी होती है, कहाँ से आप, मतलब आपकी कौन सी स्टेट है या सिटी है जहाँ से आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हो। अब आपको बताते हैं कि असाइनमेंट नंबर या असाइनमेंट कोड आपको कहाँ मिलेगा। जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर आपको ऐसा लिखा होता है, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड। असाइनमेंट कोड और असाइनमेंट नंबर सेम होता है, ये आपका असाइनमेंट नंबर या असाइनमेंट कोड है। MPC जैसे ये साइकोलॉजी का है तो हर एक का अलग अलग होता है, और आपको आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट कोड है MPC002/ASST/TMA/2019-20। मतलब आपका असाइनमेंट कोड जो होता है ना, बाकी सारे चीज़ें जो होती है हर क्वेश्चन पेपर में सेम ही होता है असाइनमेंट कोड, बट आपका जो ये होता है ना MPC002 जैसे कोर्स कोड है उसके आगे कोर्स कोड आएगा पहले, जो भी आपका होगा, फिर AST, ये बाकी का सब कुछ आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी, अगर नहीं होगी तो कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है। और नेक्स्ट आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपने कौन सी असाइनमेंट, जो आपकी असाइनमेंट है आपके ऑफलाइन मोड से ही हैं बहुत सारी असाइनमेंट, तो अगर आपके ऑफलाइन मोड से असाइनमेंट है तो आपने किस फाइल में असाइनमेंट्स को सबमिट कराना है। आप ट्रांसपेरेंट फाइल में नहीं सबमिट करवाएंगे अपनी असाइनमेंट को, आपको इस टाइप की फाइल में, ऑफिस फाइल्स जिनको कहते हैं, इनमें अपनी असाइनमेंट्स को डालकर सबमिट करवाना होता है। और इनके बाहर ये जो इनका कवर होता है ना, गत्ते वाला जो कवर होता है, इसके बाहर आपने अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना असाइनमेंट कोड और असाइनमेंट का कोर्स कौन सा है वो भी लिखना होता है ब्लैक मार्कर के साथ, जो कि परमानेंट मार्कर होता है, क्योंकि कई बार होता है इग्नू की असाइनमेंट के ऊपर पानी गिर जाता है तो आपकी मेहनत सारी पानी फेर जाती है, तो इसलिए परमानेंट मार्कर से लिखना। और बॉल पेन से ही लिखना, जेल पेन से मत लिखना, क्योंकि अगर आपने जेल पेन से लिखा तो आपकी असाइनमेंट पर अगर पानी गिरा तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉल पेन ही यूज़ करें, चाहे वो आप ब्लैक क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन लिख रहे हो उसके लिए भी ब्लैक बॉल पेन करें, या आप आंसर लिख रहे हो तो उसके लिए भी ब्लू बॉल पेन यूज़ करें। ठीक है, ये आपके लिए हमने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बताई थी। तो आपको एक और चीज़ हम बता दें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके की इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाने वाले हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ऑन द वे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड हो तो आप मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना।